Let us talk about Ampere's circuital law. Let us try to understand it. इस law को समझने के लिए हम एक situation consider करते हैं. Suppose we have an arrangement of current carrying wires. Let's say we have some current carrying wires like this. Current into the plane of the board. Current out of the plane of the board. Again, current out of the plane of the board, and let's say current into the plane of the board. This is I1, this is I2, this is I3, and this one is I4. अब यहां पर आप एक लूप कंसीडर कीजिए. Let's say we have a loop, closed loop like this. This loop is lying in the plane of the board. अब आप इस लूप को छोटे छोटे लेंथ में ब्रेक कर लीजिए, स्मॉल स्मॉल लेंथ DL में ब्रेक कर लीजिए. DL को अब एक डायरेक्शन दे दीजिए, सो दैट इट बिकम्स DL वेक्टर. इस DL को मान लीजिए कि इस तरह का डायरेक्शन दे दिया आपने, तो DL वेक्टर का डायरेक्शन का सेंस यहां पर क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है. मान लीजिए कि इस DL वेक्टर पर सभी वायर्स के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा. I1 के कारण भी यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, I2 के कारण, सिमिलरली I3 एंड I4 के कारण भी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता. तो मान लीजिए कि यहाँ पर इस DL वेक्टर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स इज वेक्टर B. वेक्टर B हियर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर्स, बोथ वायर्स करंट इनसाइड द लूप एंड बोथ एज वेल एज करंट आउटसाइड द लूप, दोनों के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है. इनसाइड करंट के कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नेट है यहाँ पर वेक्टर बी. लेट्स से कि वेक्टर बी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ DL वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड और DL वेक्टर के बीच में मान लीजिए कि एंगल है थीटा. तो एक क्वांटिटी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी कॉस थीटा. व्हाट इज बी कॉस थीटा? बी कॉस थीटा यहाँ पर DL वेक्टर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए DL से, इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो इसको आप दूसरे फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर DL डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड DL वेक्टर. अगर आप इसी तरह से वेक्टर बी डॉट DL जिस तरह से आपने यहाँ पे निकाला, पूरे लूप में अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल के अगर आप ऐड करते हैं, तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट DL. ये सिंपली आपको बता रहा है कि आपने वेक्टर बी डॉट DL को इस लूप के अलग अलग पॉइंट पर निकाला, सभी पॉइंट पर निकाला और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया. तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई इन. अब यहाँ पर आई इन क्या है? तो आई इन इज अ नेट करंट इनसाइड द लूप. दिस इज नेट करंट इनसाइड लूप. क्लोज्ड लूप, इस क्लोज लूप के अंदर जो नेट करंट है वो है आई इन. गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि आई इन इज द नेट करंट इनसाइड द लूप, अंदर के करंट्स का नेट सम है. और वेक्टर बी हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द करंट्स, बोथ इनसाइड करंट्स एंड एज वेल एज करंट आउटसाइड द लूप.
यहाँ पर देखिए नेट करंट जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर करंट दो डायरेक्शंस में है, इस लूप के अंदर जो करंट है वो दो डायरेक्शन में है, एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड और दूसरा इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो नेट करंट लिखते वक्त किस इनमें से किसको पॉजिटिव लिया जाए, कौन से करंट को आप पॉजिटिव लिखेंगे और किसको नेगेटिव लिखेंगे, इसके लिए भी रूल है और वो रूल है राइट हैंड रूल। हैंड रूल, राइट हैंड रूल डिसाइड करता है कि कौन सा डायरेक्शन करंट का कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए और फिंगर्स को डीएल वेक्टर के सेंस में के अलोंग रखिए, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। अगर राइट हैंड को आप स्ट्रेच करके फिंगर्स को अलोंग डीएल वेक्टर के सेंस में रखते हैं तो थंब विल गिव यू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन जो करंट का डायरेक्शन होगा डेट विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द करंट कौन कौन से करंट है, यहाँ पर I2 एंड I3 विल बी टेकन एज रिटन एज पॉजिटिव। सो इसमें अगर इस लूप में आप अगर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो यू कैन राइट वेक्टर V डॉट वेक्टर DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I2 एंड I3 विल बी taken as written as positive, I2 plus I3, और जो करंट अंदर की ओर है यहाँ पर उसको आपको negative लिखना होगा minus I1। ये जरूरी नहीं है कि DL vector का direction आपने जो यहाँ पर anti-clockwise लिया है ऐसा के सेंस में लिया है ऐसा ही ले सकते हैं, आप इसे clockwise सेंस में भी ले सकते थे और उस केस में आपको इनटू द प्लेन का डायरेक्शन जो होता वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता, करंट इनटू द प्लेन वुड बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव इन दैट केस, बट बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट, दोनों से आपको सेम ही इक्वेशन मिलेगा। आइए अब हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लेट्स से we have a current carrying wire like this which is carrying current into the plane of the board, current is I, aapko r distance par magnetic field nikalna hai, to r distance par aap ek loop banaiye, let's say this is the loop, ab is loop ko aap small DL वेक्टर में ब्रेक कर लीजिए। लेट्स से कि DL वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट टू द सर्कुलर लूप। तो लेट्स से कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया, एज्यूम किया, दिस इज द एज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट अस अप्लाई नाउ Ampere circuital law in this case. We can write vector B dot DL equals to B DL. Magnitude of magnetic field, magnitude of DL vector. And cos 0 equals to 1. तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस लूप के किसी भी पॉइंट पर सेम होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट आर डिस्टेंस पर ही है यहाँ पर इस लूप इस करंट कैरिंग वायर से, तो इसलिए आपको बी को यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं, बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लूप, दिस विल बी इक्वल्स टू बी इंटू 2πr, डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr, so b into 2πr equals to mu naught times, अब देखिए यहाँ पर जो i लिखेंगे आप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो राइट हैंड रूल। तो लेट अस अप्लाई राइट हैंड रूल हियर, तो फिंगर्स को राइट हैंड के फिंगर्स को आपको कर्ल करना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द सेंस ऑफ dl वेक्टर, इस तरह से। अगेन यहाँ पर भी आउटसाइड करंट जो होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड जो करंट होगा, डेट विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। तो ये वाला करंट जो आपको लिखना होगा माइनस आई, यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा B इक्वल्स टू यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इनफैक्ट माइनस साइन भी यहाँ पर आएगा। माइनस साइन आपको बता रहा है कि आपने जिस डायरेक्शन को एज्यूम किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उस डायरेक्शन के अपोजिट में एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, ये होगा, दिस इज एक्चुअल, एंड दिस वन वाज अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।